दोस्तों आज मैं इस छिपकली के पूंछ को काट दूंगा, फिर इसमें एक पाइप डालकर उसे अच्छी तरीके से बंद कर दूंगा। और आप सभी देख सकते हैं कि इसके अंदर पानी भरने लगा है, जिसकी वजह से ये बहुत ही बड़ा हो गया और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर बहुत सारा पानी आने की वजह से ये बहुत ही बड़ा हो गया है। तो चलो मैं इसे अब फोड़ देता हूँ।